वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर सीइंग आरएचएफ ब्लॉग एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम हैं शांताश्रम मेले में, जहाँ पे गांव का विलेज का प्रॉपर मेला होता है। आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ कि विलेज का जो मेला होता है वो कैसे होता है। सबसे बड़ा टास्क है, मुझे नहीं लगता है, पहली बात तो है मेरा साउंड किसी को मिल रहा है कि नहीं, और सबसे पहला टास्क है मम्मी को और आंटी को ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया। बहुत बड़ा है विलेज के हिसाब से, शहर का तो मैंने देखा है पर विलेज का आप देख लीजिए कैसा होता है, बहुत बड़ा है। तो ये फाइनली अभी पूरा ग्रुप इधर मिल गया है, मम्मी आंटी और सिस्टर सभी लोग इधर है। लेट मी इंट्रोड्यूस, ये जो है मेरा मम्मी है और ये मेरा एक आंटी है, ये भी मेरा एक आंटी है और ये मेरा सिस्टर है। अभी जो है कुछ खाने के लिए सोच रहे हैं, इधर बहुत सारा छोटा छोटा रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे कुछ खाने का हम देखेंगे और थोड़ा बहुत इन लोगों को खिलाएंगे खाना, क्या चाहे पापड़ी चाट है और बाहर का बहुत सारा स्नैक्स आइटम्स ये सब है। तो लेट्स चेक आउट गाइस। चलते यहाँ पे एक अंकल मिल गए हैं। अंकल कभी आए आप लोग? अभी। अच्छा ठीक है, एंजॉय कीजिए। बहुत सारा जो है गांव का मेले में क्या होता है, चलते चलते आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो जान पहचान का, तो बहुत बढ़िया रहती। तो दोस्तों ये कहावत तो आपने बहुत लोगों ने सुने होंगे कि मेले में पिछड़े भाई मिलते हैं। आज मैं आपको ऐसा कुछ सिखा रहा हूँ जो मेरा दोस्त है बचपन का, ये है कोची, और इसको मैं कम से कम 12 साल बाद अभी मुलाकात हो रहा है। और भाई इंडियन आर्मी में है, जब मैं कॉलेज में था तब से ये ट्रेनिंग में चले गए थे, तो उसके बाद एक लंबा असर गुजर गया, उसके बाद से मुलाकात हुआ ही नहीं। आज ऑलमोस्ट 12 ईयर्स इसका एक्चुअली पोस्टिंग हुआ था जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुआ था, अभी फ़िलहाल इधर है। और एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि इसका बैंगलोर में ट्रांसफ़र होने वाला है, बहुत जल्दी बैंगलोर का जो कुछ ब्लॉक बनेगा तो ये भी साथ में आएगा। इसके साथ और भी इसका दोस्त है, वही आपको बोला ना मैं कि चलते चलते बहुत लोग मिल जाता है साथ में जान पहचान का। कैसे हो भाई, कभी आया आप लोग? तकरीबन 4 बजे के आया। कैसा लग रहा है मेला? बहुत अच्छा लग रहा। चलिए आगे का देखते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं मोगलाई, बंगाली एक्चुअली मुगल का डिश है ये, और वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, इसको कहते हैं मोगलाई। ये बेसिकली एक मैदे का बनता है और क्रिस्पी होता है, इसका अंदर अंडे और अलग दूसरा तरीके का मसाला, उसके साथ सैलड के साथ सर्व किया जाता है, बहुत ही टेस्टी है। हालांकि ये रेस्टोरेंट का उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, बाकी जगहों में अच्छा मिलता है, सो इट्स अ बैड चॉइस एक्चुअली, अच्छा नहीं है, नॉट वर्थ 60 रुपीज।
বছর ধরে এখানে বসছেন না বছর কত ফার্স্ট কেমন বিজনেস বিজনেস কেমন বিজনেস এখন সেরকম একটা ভালো আছে সেরকম কিছু নাই আর কতদিন আছে মেলা আর মেলা দুদিন আছে যত সম্ভব আমাদের অ্যানাউন্স করে নি তো কমিটি এখনো কমিটি অ্যানাউন্স করলে পরে হয়তো বলে যাবে কতদিন আছে আচ্ছা ওই হিসাব মতো দুদিন আছে কত দাম এগুলোর বাঁশি আর এগুলো কত দামে বিক্রি করছো বাঁশি আপনার অনেক রকম আছে 100 টাকা আছে 120 টাকা আছে তবে 120 টাকা আছে 30 টাকা আছে একটা আমরা 60 টাকা 80 টাকা আচ্ছা বাট সেল এরকম কিছু নেই তাই তো না সেরকম কিছু নেই ঠিক আছে I hope you guys are enjoying the video. There's a lot of things to take. Start from the street to the groceries to the accessories. Every each single things are available and with the limited cheap cost. Here we saw have some plastic flowers and all for the decoration purposes. But you get everything you need. Here are some books and other stuff. And here's some crockeries here, crockeries and glassware with a reasonable cost. You might not have to pay a lot of money for to afford this. It's a very reasonable cost. Cost 45 rupees. Hey, what is it? 70 rupees for that. Spoon, bro. 45 rupees. Here's some jewelry shops are there. सोना तो नहीं है नॉर्मल डे टू डे ज्वेलरीज शॉप्स ये भी बहुत सस्ते में मिल रहा है सभी चीज़ का प्राइस 40, 50 या 60 और मैक्स टू मैक्स 100 होता है यू डेफिनेटली कैन ट्राई गेट एंड कम एंड ट्राई दिस और यहाँ पे देखिए नन्ना मुन्ना छोटा सा कितना अच्छा अच्छा स्टोन का मूर्तियाँ है स्टोन है ना As you can see, it's a lot of book here. तो अंकल ये बैग का शॉप जो आपका है मतलब कितना साल से मेला का कितना साल से आप मेला में बैठ रहे हैं हम तो 14 से 15 साल तक बैग का काम करता है यहाँ हमारा मुलुक है हम बहुत मेला करता है अभी तो 10-12 का मेला करके आया यहाँ से 3-7 दिन जाने के लिए ज़्यादा है हमारा छोटा से 100 रुपया से लेते हैं उसको 250-300 तक लास्ट हमारा बैग ज़्यादा से आइटम नहीं है ठीक है ये बैग का जो रेंज है कितना से स्टार्ट होता है हमारा वो 50-60 रुपया का 100 वाला बैग होता है 5 रुपये 60 रुपया 50 रुपया 80 रुपया ये सब पास होता है ना तो हाथों में रहता है 80 लोग का हाथ में रहता है अच्छा मेला तो और 2 दिन ही बाकी है तो सेल कैसा है इस बार का अभी इस साल में हमारे यहाँ बहुत सेल है दूसरा मेला जो बन रहा है वो से अच्छा हुआ अभी संकट का मेला हो रहा है तो इस बार मतलब लोग भीड़ कम हो रहा है ठीक है तो मेले में आओ और बंदूक नहीं चलाओ जो है तो ये कभी मुमकिन हो नहीं सकता तो ट्राई करते हैं चलिए
लाल वाला नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। एवरीबॉडी गुड यार। अभी कौन सा वाला? अभी रेड वाला मारिए। वेरी गुड वेरी गुड। तुम वाले अंकल से बात करेंगे तो अंकल आपका नाम? हमारा मोहन बागी। मोहन बागी। मोहन बागी। और आप कितना साल से प्रोफेशन में हो? 1991 से प्रोफेशन में। और ये जो संकल्पन का मेला है ये कितना साल से आप इधर हो? पहले से जब से शुरू हुआ साल पुराना मेला है गाइस। 130 साल 130 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम 1991। तो बहुत मज़ा आया। वी आर द एंड ऑफ द ब्लॉग नाउ। 3 to 4 hours वी देर। होप यू इन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आई इन्जॉयड अ लॉट। सो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, बहुत टायर्ड हूँ। कुछ खरीदा नहीं ज़्यादा, कुछ थोड़ा पीनट खरीदा है बस। यहाँ पे अच्छा मिलता है इसके लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय। लाइक यू माई वीडियो, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द